प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक को परिवार सहित चार लोगों को मौत के घाट उतारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा उनके ही शिष्य को जेल भेजकर खुलासा करने से नाराज परिजनों ने भजन गायक के बेटे का शव दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर रखकर सड़क जाम की। पुलिस के इस खुलासे से परिजन संतुष्ट नहीं है और मामले की जांच की दोबारा मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में सिटी के पंजाबी कॉलोनी में प्रसिद्ध अजय गायक पाठक व और उनकी पत्नी बेटी व उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीन शवों को घर से बरामद कर लिया था, जबकि उनका 10 वर्षीय बेटा भागवत घर से लापता था, जिसकी लाश अगले ही दिन हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा से उनकी ही कार की डिक्की से जली हुई हालत में बरामद हुई। जबकि मौके से पुलिस ने एक आरोपी हिमांशु सैनी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जनपद शामली के पुलिस कप्तान विनीत जायसवाल ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उनके शिष्य हिमांशु सैनी ने अपने गुरु अजय पाठक पर कुछ पैसे उधार होने व बार बार मांगने पर उसकी बेइज्जती करने व उसकी पत्नी को अभद्र शब्द कहने के बाद हिमांशु ने अजय पाठक की परिवार सहित हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त तेज धार हथियार को भी पुलिस ने बरामद करते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। जबकि इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस की बताई कहानी पर एतबार न करते हुए पूरे मामले को का अधूरा खुलासा करने का आरोप लगाया है। आज अजय पाठक के बेटे भागवत का शव शामली पहुंचा, जिसके बाद परिजन शव को लेकर पंजाबी कॉलोनी के पास ही दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर बैठकर हंगामा करने लगे। हंगामे में बीजेपी विधायक सहित सिटी के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिजन हत्या के सही खुलासे की मांग कर रहे हैं। परिजन पुलिस द्वारा किए गए खुलासे को अधूरा मानकर पूरे खुलासे की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिजनों के एक अकेले आदमी द्वारा चार लोगों की हत्या करने की बात को मानने से इनकार कर दिया है। अब सड़क पर जाम लगने की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है, जबकि परिजन हत्या के सही खुलासे की मांग पर अड़े हैं। परिजनों द्वारा हत्या के खुलासे से नाराज होने पर जाम लगाने की सूचना पर जनपद शामली के पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास करते हुए उन्हें हत्या में शामिल और लोगों की जानकारी जुटाने व आरोपी को रिमांड पर लेकर और साक्ष्य जुटाने का आश्वासन दिया है। इस दौरान परिजनों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है और भजन गायक के पूरे परिवार से लूटे गए सामान को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस मामले पर एसपी शामली ने परिजनों को आश्वासन दिया कि यह उनके द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं को अपनी विवेचना में शामिल करेंगे। अगर किसी और लोगों की भी इसमें संलिप्तता मिलती है तो उन लोगों पर भी कठोर कार्यवाही की जाएगी और सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। संपर्क करके जो भी इसमें क्रेडिबल एविडेंस मौके से हमें मिले थे, इसकी फॉरेंसिक एविडेंस सारी लेके फॉरेंसिक जांच भी होगी, चाहे जुडिशरी से कितना भी हमें कोऑपरेट करना पड़े, रिक्वेस्ट करना पड़े, इसको फास्ट ट्रैक कराएंगे, एग्जाम तक ले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, मतलब हमें फील नहीं हो रहा कि कितना इन लोगों ने दुस्साहसिक काम किया है? आप मौका दें, आप बात को समझा, आप हमसे संपर्क करें, जो भी डाउट आपके हैं एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे। बयान दिलवाया गया क्या होते 60,000 रुपए, क्या वैल्यू 60,000 रुपए की पाठक जी के लिए, हमारे क्या वैल्यू 60,000 रुपए की? तो क्या उस बंदे के वेट के मुताबिक पैसे दे देंगे? सच बयान बोल रहे, बयान सच क्या है? तो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सब रख के आपने जाम लगाया? सीआईबी जांच हो रही है, सीआईबी जांच हो रही है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है भाई साहब, एक आदमी काट हमारे आदमी पे 60,000 रुपए का आरोप लगा रहे हैं, हमारा सारा परिवार मर गया यहाँ पे, सारे को तोल दे रहे हैं पैसे से, बहन छो सच बता। हम सीबीआई की मांग करते हैं, इंसान आ जाए हमारी सीबीआई। अच्छा, जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है क्या इससे संतुष्ट नहीं है? ये आरोपी है लेकिन इसके साथ मिले और भी बहुत लोग हैं भाई, अकेला नहीं कर सकता ये, इसको छुपाया जा रहा है। हम किसी भी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो सब रख के आपने जाम लगा? हाँ, जाम लगा दिया, हम ऐसे ही बैठेंगे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। आपका भाई मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई की मांग कर रहे हैं सर, और फांसी दो आरोपी को, ये मांग कर रहे हैं और जाम लगा रखा है सर, क्या मामला? देखिए, जो बच्चे की डेड बॉडी थी वो आज यहाँ पर आई है और जो बच्चे के मामा है और उनका परिवार है वो लोग यहाँ पे आए थे, तो उन लोगों ने ऐसी इसमें जो है मांग की है हमसे कि एक एसआईटी द्वारा इसकी जाँच कर दी जाए
मैं मौके पे यहाँ खुद आया था, मैंने उनको आश्वासन दिया है कि पुलिस की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी साक्ष्य इसमें सामने उभर कर आए हैं उसी के अनुसार जांच होगी। और अभी हम दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड पर अभियुक्त को लेंगे और हमने उसके लिए ऑलरेडी अप्लाई भी कर रखा है माननीय न्यायालय में। हमने उनको अवगत कराया इस बात कि 5 दिन का हमने पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगा है, क्योंकि जितनी भी बातें उसने सिलसिलेवार बताई हैं उसको तस्दीक किया जा सके। और इसमें जो उन्होंने मांग की थी एक SIT के गठन के लिए, तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच के लिए SIT का भी गठन किया जाए। अच्छा सर, पीड़ितों का ये भी आरोप है कि एक अकेले हत्या नहीं कि उसने और भी कोई लोग हैं उनके साथ? देखिए, उनको इस बातों का डाउट है, हमने बताया है कि एक एक बिंदु पर जो जाँच अच्छे से की जा रही है उनको इस बात से संतुष्ट भी किया गया है और पूर्ण रूप से उनको आश्वस्त किया गया है कि उनसे लगातार संपर्क में भी रखा जाएगा और जो जो जांच और प्रगति होगी उनसे लगातार उन्हें अवगत कराएंगे और एक SIT द्वारा निष्पक्ष और बिल्कुल साक्ष्य के आधार इसमें जो है आगे की विवेचना की। सर, पाठक जी सोना पहने हुए थे हाथ में, गले में भी, तो वो सोना कहाँ गया, उनको मिला नहीं सर? परिवार मैंने बताया माननीय न्यायालय के आगे अभी हमने पुलिस कस्टडी रिमांड अभियुक्त की मांगी है और हमने 5 दिन की रिमांड मांगी है। जैसे उसकी रिमांड हमें मिलेगी, कल माननीय न्यायालय में अभियुक्त को तलब भी किया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी उसकी हमें रिमांड मिलेगी। जब उससे रिमांड मिलेगी तो और उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो भी सामान वो गया है उससे रिकवर कराया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।